रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यू हो गया मैं तू ही तू रंग तूने कैसा है चाहाया सुन यारा सुन यारा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मायूस किया है, शायद मैंने दोस्ती में खयानत किया है ना, लेकिन ऑनेस्टली तलाल मैं मजीद खुद को और तुम्हें धोखे में नहीं रख सकता। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? जहन्नम में जा रहा हूँ, हर वक्त मेरे सर पे सवार मत रहा करो। क्या आखिर कपड़े क्या मुफ्त बट रहे थे जो तुम लोग इतने गाफिल हो चुके थे? एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सके तुम लोग? दिल तोड़ना बहुत आसान होता है, दिल टूटने के साथ इंसान की ख्वाहिशात भी बिगड़ जाती हैं, लेकिन दिल तोड़ने वाले को इसका एहसास भी नहीं होता। सुन यारा सुन यारा। पहले अच्छे तरीके से तुम्हारी रुखसती होगी, उसके बाद मेरी। ये क्या बकवास है? तुम्हें पता है मुझे इस तरह का मजाक फजूल किस्म का बिल्कुल पसंद नहीं है। लाली तुम अच्छी तरह जानती हो फजूल तो क्या है, मैं मजाक भी बहुत कम करता हूँ। जो तुमसे मैं पूछ रही हूँ ना, मुझे उसका जवाब सीधी तरह से दे दो। तुम्हारी बात का जवाब मैं दे चुका हूँ लाली। यार तलाल, मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी है, यहाँ तक के निकाह भी करा लिया मैंने। तो अगर निकाह कर लिए तो उसके बाद रुखसती नहीं करनी क्या? यार जल्दी किस बात की है, हो जाएगी रुखसती। रोशाना की सारी जिंदगी तुमसे वाबस्ता है, तुम्हारे साथ मंसूब है उसका नाम, उसका भी खुशियों पे हक है यार, ऐसे तो उसके इमोशंस के साथ ना खेलो। तलाल मेरी बात सुनो, तलाल यकीन करो वो तुम्हारी जिंदगी में रंग भर देगी, तुम्हारी सारी थकावट समेट लेगी, तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल कर देगी। लाली अगर यही बात मैं तुमसे भी कहूं कि कोई ऐसा है जो कि तुम्हारी थकन समेट सकता है, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां बिखेर सकता है, तुम्हें मुकम्मल कर सकता है, तो तुम क्या मुझे यहाँ पे दूसरी शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो? इसमें हर चीज क्या है लाली? मुझे कोई इस बारे में बात नहीं करनी, एक लफ्ज ना सुनू मैं तुम्हारे मुंह से। जो तुमसे पूछ रही हूँ मुझे उस बात का जवाब दो। अम्मी परेशान है तुम्हारे लिए। अम्मी की फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है, ये मेरा और अम्मी का मामला है, हम दोनों आपस में खुद बात कर लेंगे। और तुम भी एक बात याद रखना, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ रोशाना से, उसकी आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें मुस्तफा जितना कौन चाहेगा लाली, वो तो वक्त से लम्हा लम्हा समेट कर तुम तक पहुंचा है, उसे बाजी में हारने नहीं दूंगा। चल में भर के भूले ये सारे खुशबू से भर दू मौसम तुम्हारे। लाली तुमने तलाल से बात की बेटा? नहीं। तो बेटा कर लेनी थी ना बात उससे। मैं नहीं करी बात उससे, ऐसे मेरी बात को ना वो सीरियस नहीं लेता, आप खुद करें आपकी सुन भी लेगा। अच्छा ठीक है, मैं खुद कर लूंगी उससे बात। लगते हैं आज बारिश होगी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा चलो मैं गरम गरम चाय बनाती हूँ और पकौड़े साथ में बना दी। सैफी सैफी, इतना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर, आप क्या ये बोर काम लेके बैठ गए हैं? तो इस मौसम में मैं और क्या करूं? खूबसूरत मौसम को खूबसूरत तरीके से एंजॉय करना चाहिए। मेरी कायनात की सारी खूबसूरती तो इसी कमरे में बंद है, तो मैं बाहर जाके क्या एंजॉय करूं? वैसे भी कहते हैं मौसम तो दिल में होते हैं,
कमरे में बैठकर भी दिल बहलाया जा सकता है। ये अपने फलसफे जो है ना आप अपने पास ही रख लें, सिर्फ बाहर चले ना, देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। वैसे एक बात तो सच है, ये बाहर का मौसम मुझे फैसिनेट करे ना करे, तुम्हारे दिल का और मेरे दिल का मौसम जुड़ा हुआ है। तुम हंसती हो तो दिल हंस पड़ता है, तुम महकती हो तो मेरा पूर महक उठता है। बिल्कुल झूठ। सच। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर ये सच होता ना सैफ, तो आज भी तुम हमारे साथ होते, क्यों मुझे और अयान को इन हालात में से छोड़ के ना जाते। मोहब्बत करने वाले तो बुरे से बुरे वक्त में भी एक दूसरे का साथ देते, समझौता कर लेते, मोहब्बत की लौ को नीचे कर देते, यूं फूंक मार के बुझा नहीं देते मोहब्बत के दिए को। बिजन, मैं सोच रहा था कि शहबाज आ रहा है, उसके साथ इस्लामाबाद चला जाऊं, पिंडी में भी बहुत सारे काम हैं जो देखने हैं मुझे। खुद देख लेगा शहबाज कि तुमने पाकिस्तान वापस आके अपने आप को कामों में उलझा लिया है। ना तुम्हें कोई मेरी बात सुनाई देती है और ना तुम कोई जवाब देते हो। बिजन, मैं आपकी किसी भी बात का क्या जवाब दूँ, नहीं है मेरे पास किसी भी सवाल का जवाब। मैं खुद इतना उलझा हुआ हूँ, मेरे सामने कोई रास्ता वाज़े नहीं है। तुम बुजदिल हो तैफी, बुजदिल। पहले भी तुमने लाला रुख को खोया और अब उससे बेखबर रख के दोबारा खोना चाहते हो। बीजान, आपको क्या लगता है मैं लाला रुख के पास जाऊं और उससे कहूं कि लाला रुख मैं तुमसे नहीं। बीजान, शायद आप सही कह रही हैं कि मैं बुजदिल हो गया हूँ। अब तो वो आजाद है फैसला लेने में। तुम कहो तो मैं उससे खुद बात करूं। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी, वो नाराज हो जाएगी। पर आप जानती हैं ना कि मुझे रूठों को मनाने का ढंग कभी भी नहीं आया। बीजान, शायद मैं वाकई खौफजदा हो गया। तो क्या लाला रुख को दोबारा खोने का हौसला है तुम में? नहीं बीजा, मुझ में लाला रुख को खोने का हौसला नहीं। लाला रुख के साथ जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, बीजान, मेरा दिल कहता है कि उस पर सिर्फ मेरा हक है। कहने का हौसला नहीं है, क्या करूं? जीते रहो बेटा, जीते रहो। मेरे को आया लाली, अगर यही बात मैं तुमसे भी कहूं कि कोई ऐसा है जो कि तुम्हारी थकन समेट सकता है, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां बिखेर सकता है, तुम्हें मुकम्मल कर सकता है, तो तलाल तुम भी इसके फजूल जज्बात से आगा थे, तभी तुम मुझे उसके हक में दलाइल दे रहे थे। ओके, तो ये मकसद था आपके आने का? मेरे ख्याल में आप सब कुछ सुन चुकी हैं ना, अब मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अब वाकई किसी वजाहत की कोई जरूरत नहीं है मुझे। सही कहा।
वजाहतों और सराहतों की जरूरत तो वहां पर पड़ती है जहां मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया जा रहा हो। आई एम सॉरी लाली, मुझे अपने जज्बात और तरीका इजहार पर कोई शर्मिंदगी नहीं। ये जज्बात मेरा कुल असासा है, शायद मेरे जीने का असल जवाब भी यही है। क्या यूं समझ लें कि ये जज्बात अगर मुझसे छीन लिए जाएं तो मैं वीरान खंडर हूं और कुछ भी नहीं। मैंने आपको अपने जज्बात से बेखबर रखा, लेकिन उसकी सिर्फ एक वजह थी कि मेरे सामने धुंध थी, हर सिमत में धुंध थी, सिर्फ कोई रास्ता वाजे नहीं था मेरे लिए। Shut up. Just shut up. मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूं। बहरहाल अपने जज्बात पर नहीं हूं। मुस्तफा, आपको किसने हक दिया है मेरे बारे में ऐसे जज्बात और ऐसे ख्यालात रखने का? शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सोच पर। आप किसी को चाहने और चाहे जाने की ख्वाहिश से महरूम तो नहीं कर सकती। अगर धूप में सुलगता इंसान छांव की तलाश में है, ये उस शख्स की कोई जालिमाना ख्वाहिश तो नहीं? क्या उसका छांव पर हक नहीं? मैं आपकी छांव नहीं बन सकती हूँ। आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इसके आगे कोई मंजिल नहीं है। क्या करती हो तुम? ध्यान से चला करो ना। दुआ दो। प्लीज आप अंदर से बानो और लाली या आंटी को बुला दे, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। लाली तुम्हें गोद में उठा के नहीं लेके जाएगी अंदर, तुम्हें खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। उठो चलो, शाबाश। इससे नहीं चला जा रहा मुझे। हिम्मत तो करो ना, उठो। क्या हो गया रोशनी? कैसे गिर गई बेटा? स्लिप हो गई है। ओफो, तुम्हारा ध्यान किधर था? और बानो, तुमने जब धोया था तो उसको खुश्क नहीं कर सकती थी? शायद लेकर आओ वाइपर, साफ करो तुम दोनों मिलके। इसे लेके जाए, मेडिसिन लेके आ। अच्छा बेटा, किधर देख के चलती हो तुम? तुम्हें तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम टेरेस से नहीं फिसली, वरना जमीन पर आके गिरती। वो क्या कहते हैं कि टेरेस से गिरे और जमीन पर लिपटे। ऐसा कभी हो सकता है खुर्रम कि आप फजूल बात ना करें? हर वक्त तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी नहीं होता। वैसे तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? अरे मुल्क के माया नाज सर्जन तुम्हारे साथ मौजूद थी, ऐवें डर रही थी तुम। उन माया नाज सर्जन की वजह से ही गिरी हूं मैं। इसकी बोलने की ऐसी आदत, इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। आया पड़ा तो मुझे बताओ, तुम्हारे लिए मैं दूध में हल्दी मिला के ले आऊं? थोड़ा अजीब होगा लेकिन पी लो, ठीक हो जाएगा दर्द। लाली आई एम सॉरी, आप हमेशा यही करती हैं मेरे लिए। कोई बात नहीं। लाली बाजी, अयान रो रहे हैं। अब क्या हुआ उसे? मुस्तफा भाई उनको छोड़ के चले गए, इसलिए रो रहे हैं। देखा है आप, इसीलिए मैं हर ऐरे गहरे के साथ ना जाने नहीं देती। बच्चों को आदत पड़ जाती है यार, फिर हर किसी के साथ उनको जाना होता है बाहर। अब नहीं मैंने जाने देना। तो कहिए, अब नहीं मैंने निकलने देना उसके साथ। कहाँ है अब वो? आ रही हूँ मैं, तुम्हारे लिए दूध भी लाती हूँ। ऐसे रोशनी, ये हादसा दूसरी बार हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हें बड़े मजे आ रहे? खैर मजे तो मुझे नहीं आ रहे, लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ कि अगर रुखसती के वक्त तुम फिसल गई तो?
मजनू बना वही जिसे पत्थर पड़े कमर। खैर पत्थर तो नहीं पड़े, तकिए से गुजारा हो गया, बचत हो गई। ये इसको दे देना। अरे ऐसे कैसे सज्जन साहब, बात तो सुनिए, अब ऐसी भी क्या बेरुखी। वैसे आप आ ही गए हैं तो अपने मरीज़े हिजर का मुआयना ही करते जाइए। मैंने सुना है कि मसीहा को देखकर मरीज की आधी तकलीफ दूर हो जाती है। मुझे लगता है मुझे देख के इसकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। इस्तकबाल भी कुछ ऐसा ही हुआ मेरा। दिल बर्दाश्त होने की कोई जरूरत नहीं है, ये निशाना तो मुझ पर दागा गया था भाई। आपकी राह में तो फूल निछावर करने का प्रोग्राम था, बस क्या करें, मौका वारदात पर, मेरा मतलब है कि हसीन मौका पर फूल दस्तयाब ना थे, इसलिए देख लो इसी बात का अफसोस हो रहा है इसे। खुर्रम प्लीज। खैर इस तरह की निशानेबाजी से परहेज करना चाहिए, खास तौर पर जब आपका निशाना इतना खराब हो। ये तो तकिया था, बचत होगी मेरी। हाय हाय मारा जो तूने फूल वो पत्थर से कम नहीं। खा लेना। सकती हूं, आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि इसके आगे कोई मंजिल नहीं है। ओ मेरे खुदाया, क्यों रुला दिया मैंने उसको। क्या हाल है आपके? ठीक हो? चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। Yeah! हैं चले। आयान गो टू बेड, आपके सोने का टाइम है, चलो शाबाश। मुझे भी सोना। जाना है आपको क्योंकि मैं कह रही हूँ, पूछ नहीं रही, बता रही हूँ आपको, गो। एक्सक्यूज मी, ये आयान के सोने का टाइम कब से हो गया? बच्चों के सोने का टाइम मुकर्रर नहीं होता और ये सोने का टाइम ही है उसका। Do you think आपकी ये कोशिशें कामयाब हो जाएंगी? क्या मतलब, किस कोशिश में? यही अयान को मुझसे दूर रखने की कोशिश। और मुझे ये घटिया कोशिश करने की क्या ज़रूरत है? अलबत्ता आप जो कोशिशें कर रहे हैं ना अयान को अपनी सीढ़ी बनाने की, ये बहुत ही घटिया सोच है। और मैं आपको बताती चलूं कि ऐसा कुछ नहीं होने लगा जो आप चाह रहे हैं। What? इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा। पता नहीं इन्हें क्या हो गया आजकल, किसी बच्चे की तस्वीरें देखते रहते हैं मोबाइल में। चलो अल्लाह तुम्हें भी बच्चा देगा, तुम परेशान क्यों होती हो? किसी खास बच्चे की तस्वीर देखते हैं। कौन से बच्चे की? मुझे क्या पता। मगर काफी मगन हो जाते हैं देखने में। अरे नहीं,
वो ऐसे ही किसी बच्चे की तस्वीर देखता होगा। आजकल बड़े खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें आती है मोबाइल पर। मुझे लगता है लाला रुख के बेटे की हैं। मेरा मतलब है शायद अपने बेटे की तस्वीर देखते हैं। अयान की? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मम्मी कि मुझे इनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। मैं बहुत ही कोई बेकार सी चीज हूं उनकी नजर में। देखो सुबुई, घर बसते 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 हैं, वक्त लगता है। दीवार भी एक दिन में नहीं बनती, ये तो फिर घर है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा, शायद सारी उम्र ही निकल जाएगी। ये अयान की तस्वीरें कहाँ से आ गई उसके पास? कहीं लाला रुख तो नहीं भेज रही उसे? अब कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए, कमबख्त मारा जान को रोग ही लग गया है। आपको हर वक्त याद करते रहते हैं, उनका बस ना चले कि उनका पैर पीछे घुमा दे। पहले तुमने ये सब बातें बताने के लिए मुझे कॉल की है? बीजंग का फोन था, मुस्तफा के रिश्ते की बात कर रही थी लाला रुख के लिए। सुन यारा, सुन यारा। तानिया, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? सॉरी, वो मैं आज पूरा दिन बिजी थी और हारून भी घर पे थे, इसलिए मैं फोन नहीं कर पाई। भाई, मैं लाला रुख को कॉल करने की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। तो तानिया, कहो ना उसे वो आयान से मेरी बात कराए। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, इस तरह अगर मैं उसे बार बार फोन करूंगी। तो मेरा फोन उठाना बंद कर देगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको घेरूंगी। अच्छा ठीक है, तुम कल ही बात करो, और प्लीज मेरी आयान से बात कराओ, मेरी मुलाकात कराओ उससे। हाँ हाँ ठीक है, अभी मैं फोन रख रही हूँ। बात सुने, आइंदा इस तरह इस टाइम पे फोन मत कीजिएगा जब स्पेशली हारून घर पे हो। तुम्हें बड़ा शौक है मेरी जासूसी करने का? नहीं, वो मैं चाय का पूछने आई थी, आप पियेंगे? ले आओ। जी। तुमने मुझे इन दो हफ्तों के साथ भेजकर किस बात का बदला लिया? तुम्हें तो इशारे थे अपने मंगेतर को घुमाना, आइसक्रीम खिलाना। मुझे अपने मंगेतर को घुमाने का शौक था, किसी की मनकुहा को नहीं। तो ये एहसान मुझ पे है या फिर मेरी मनकुहा पर? अगर देखा जाए तो बिलावास्ता तुम पर ही कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी मनकुहा की बोरियत दूर कर रहा था मैं। भाई, इस घर में फालतू टाइम भी तुम्हारे पास ही होता है ना। चलो हम जरा बाहर जा रहे हैं। भाई, इसे भी साथ लेके जाते हैं हम। चलो हमारे साथ। अरे इधर आओ यार, इसको कहाँ लेके जा रहे हो? क्यों, हम इसे साथ क्यों नहीं ले जा सकते? इसे इसलिए नहीं लेके जा सकते बाहर क्योंकि बच्चों का हर वक्त बाहर निकलना ठीक नहीं होता, आदतें खराब हो जाती हैं उनकी। देखो, वक्त रसूल की पाबंदी अच्छा होता है,
लेकिन कभी कभार थोड़ी बेवसूली भी जायज है। अरे थोड़ी बहुत क्या, ज्यादा बेवसूली भी बाज़ औक़ात जायज होती है। वो क्या कहते हैं कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभार इसे तनहा भी छोड़िए। परम तुम चुप ही रहो तो बेहतर है, तुम्हें कुछ नहीं पता उसकी पहले ही इतनी आदतें बिगड़ रही हैं। मैंने इसकी आदतें बिगड़ती देखी नहीं लाली। तुम्हें इसलिए नहीं पता कि तुम हर वक्त उसके साथ नहीं होते, मैं होती हूँ, मुझे पता है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, और मैंने कह दिया तो वो कहीं नहीं जाएगा। कम ऑन यान, वी हैव टू गो। मेरी वजह से लाला रुख को कोई तकलीफ पहुंचे ये मुझे गवारा नहीं है। आई गेस वो अयान के लिए ना ओवर सेंसिटिव है। हाँ, लेकिन अयान के फ्यूचर के लिए उसे कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा। अभी ना सही तो बाद में, तो फिर अभी क्यों नहीं? मेरे ख्याल में मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए, उसे सोचने का कुछ टाइम दो। जान से कहो कि वो मम्मी से बात करें, एक फॉर्मल प्रपोजल आएगा तो फिर मैं कोई ना कोई स्टेप ले सकूंगा। ये जरूरी है मुस्तफा। चलो कैच करो, कैच करो। वेरी नाइस, अब मुझे कैच करवाओ जल्दी से। अयान एक और गेम सिखाओ, इधर आओ इधर आओ। ये देखो ऐसे करके ना इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब आप करो, ये लो जल्दी से करो, पकड़ के लेकर आओ, भाग के भाग के भाग के। हाँ अब चलो लेट्स स्टार्ट। भाजी आपका फोन है। मेरा फोन? हेलो हेलो, लारा रुख कैसी हैं आप? इसका ध्यान रखना। तुम क्यों कॉल करती हो मुझे? आप रिश्ता ही क्या रह गया तुम्हारा मुझसे? आपसे ना सही, अयान से तो है ना, बस उससे बात करने का दिल चाह रहा था। सो गया है वो। चले कोई बात नहीं, आप ही से बात कर लेती हूँ। इन फजूल बातों का कोई फायदा नहीं है तानिया, मैं अपना माजी भुला नहीं पाई हूँ अब तक। हाँ माजी तो हम सब के लिए ऐसी याद बन के रह गया। अच्छा तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए क्यों याद रह जाएगी? वो तो अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू कर चुके अब? कहने को तो शुरू कर चुके हैं, मगर शायद ऐसा नहीं है। और मैं एहसास नदामत से अभी तक निकल नहीं पाई। आपके साथ की गई ज्यादतियाँ याद आती हैं, एहसास नदामत चैन नहीं लेने देता। लाला रुख मैं आपसे मिलकर अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है? तुम्हारी इन सारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा मुझ पे तानिया। और रही बात हमारे माजी की, तो वो सब मैं अपनी किस्मत का लिखा समझ के भुला भी चुकी हूँ। सैफी से भी कोई शिकायत नहीं है मुझे। ये आपकी बड़ाई है लाला रुख, सैफी भाई को पता चल गया कि आप उनको इल्जाम नहीं दे रही हैं तो यकीन करें वो बहुत खुश होंगे। अच्छा तो तुम अभी भी अपने भाई की खुशियां ही तलाश कर रही हो? हाँ मेरे बस में हो तो मैं अपने भाई को सारी खुशियां लौटा दूं जो मैंने उनसे छीनी है। वो बदल गए हैं लाला रुख, पहले जैसे नहीं रहे। वो आपको छोड़कर खुश नहीं है, और सब वही को अपना कर भी वो तन्हाए आपको हर वक्त याद करते रहते हैं। उनका बस ना चले कि वक्त का भैया पीछे घुमा दे। तानिया तुमने ये सब बातें बताने के लिए मुझे कॉल की है? सो सॉरी। आइंदा मुझे कॉल मत करना, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। क्या कहा उसने? नहीं कब मिलने देगी वो मुझे आयान से? फिलहाल तो नाराज हो रही थी, कह रही थी कि आइंदा मुझे कॉल मत करना, लेकिन मैं एक बार जरूर मिलूंगी उनसे।
नहीं नहीं, मैं खुद उससे बात करूंगा। ऐहान मेरा बेटा है, उसे मिलने का मैं हक रखता हूँ। सैफी भाई प्लीज, ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा, ऐसे बनती बात बिगड़ जाएगी। बात बनी ही कब है भाई? बनने में अब वक्त लगेगा। मैं मिलूंगी ऐहान के लिए, गिफ्ट्स वगैरह ले जाऊंगी आपकी तरफ से। अच्छा ठीक है, ठीक। तुम्हारा तो इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम था, वहां से होकर वापस आना था तुमने। जी यही प्रोग्राम था बीजान, फिर ख्याल आया कि आप अकेली हो जाती हैं तो इसलिए आ गया। बहुत ख्याल है तुम्हें मेरा और मेरी तन्हाई का। अब आप अगर मेरी बात का यकीन ना करें बीजान, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जो कुछ भी कहो ना, मैं अब नहीं सुनने वाली। मैंने अपनी तन्हाई का हल सोच लिया है और बहुत जल्द उस पर अमल करने वाली हूँ। खैर तो है बीजान, आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। हाँ वैसे भी लाला रुक कर देख कर ना, मुझे अब बहुत जल्दी हो गई है उसको इस हवेली मिलाने की। मैं तो बस, तुम कुछ रखो, मैं राफिया को फोन करने लगी। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रही बीजान आप? अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी? मैंने जो अब करना है ना, उसमें ना तेरा मशवरा लेना है और ना तेरी राय लेनी है मुझे। बस मैंने जो करना है मैं कर लूंगी। वैसे भी मैंने तलाल से कह दिया है कि मैं लाली को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। सैफ भाई खुश नहीं है, वो बदल गए हैं लाला रुख, पहले जैसे नहीं रहे। मेरे बस में हो तो मैं अपने भाई को सारी खुशियां लौटा दूं जो मैंने उनसे छीनी है। दूसरों की खुशियां छीनने वाले खुद कभी खुश नहीं रह सकता है। मैं आपके दुख समेटने आया हूं लाली। मैंने आपको अपने जज्बात से बेखबर रखा, लेकिन उसकी सिर्फ एक वजह थी कि मेरे सामने धुंध थी, हर सिमत में धुंध थी। सिर्फ कोई रास्ता वाजे नहीं था मेरे लिए। लाली तुम्हारी ये इंतहा पसंद सोच ऐहान के लिए बहुत नुकसान देह होगी, उसकी तड़प को समझो। अगर वो मुस्तफा की तरफ खिंचा चला जा रहा है तो ये उसकी फितरी ख्वाहिश है, उसे बाप की मोहब्बत की तलाश है। नहीं है किसी की जरूरत उसे, मैं अपने बेटे के लिए अकेली काफी हूं, किसी की भी जरूरत नहीं है हमें। कहिए मिजाज कैसे हैं? यकीनन बेहद मसरूर और खुश होंगी आप। सही कहा आपने, बहुत खुश हूँ, बल्कि अब तो और भी ज्यादा, आप चले चुके हैं। इसीलिए तो मैं चला आया वहाँ। आपको अंदाजा नहीं है कि आपको ज्यादा से ज्यादा खुशी देकर मुझे कितनी खुशी होती, ये मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा तो फिर आप ऐसा करें कि मुझे थोड़ी खुशी और दें, आइंदा कभी भी मुझे कॉल या मैसेज ना करें, कोशिश करें कि आप किसी भी तरीके से मुझे कांटेक्ट करें। नहीं नहीं खैर, इतनी खुशी भी मैं नहीं दे सकता, कुछ तो खैर अपने लिए भी बचा कर रखनी है। और वैसे भी मैं अपना हिस्सा किसी को देने का आदी नहीं हूँ। यही कहने के लिए क्या कॉल किया आपने मुझे? नहीं, एक्चुअली आपकी खुशी को महसूस करने के लिए फोन किया था मैंने, लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा है आप कुछ ज्यादा खुश नहीं है। यकीनन मेरी कमी को महसूस कर रही होंगी। अमूमन आप जैसे मर्दों को ऐसी खुशफहमियाँ होती हैं। चलें, हम तही दस्त लोगों के लिए इतना ही काफी है। ख्वाब और ख्याल हमें उड़ाए फिरते रहते हैं, आप हमें यूं ही फिजाओं में रहने दीजिए, आपका क्या जाता है? हर शख्स मुस्तफा साहब अपनी ख्वाबों ख्यालों की फिजा में रहना चाहता है। अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं भी अपने ख्वाबों की ही फिजा में रहना चाहती हूँ, तो जिंदा रहना और जिंदगी गुजारना दो अलग अलग कैफियत हैं लाला रुख। अगर आप जिंदगी गुजार रही होती तो मैं खामोशी से एक तरफ हट जाता,
अपनी किस्मत पर सब्र कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गलत है। मैं बहुत खुश हूँ और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, आप अपनी एनर्जी और अपना वक्त कहीं और जाया करें, यहाँ कोई फायदा नहीं होने। इश्क दे रस्ते चलना नहीं सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा, हाँ जुआं च डूब गए जख्म ये सारे, दर्द इश्क दा सहना है औखा। सब ठीक है? तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? तुम शायद अकेलेपन से फैसिनेट हो रही हो। नहीं, मैं लाली की वजह से परेशान हूँ। लाली अयान की तबीयत को लेके काफी परेशान है। हाँ, काफी परेशान है। तलाल, आप आयान को चेक कर लेते। वो आयान को लेके एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गई थी और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं नहीं। मैं तो शायद एक हार्ट स्पेशलिस्ट भी नहीं। ये जज्बाती तरीकों से दिलों को जोड़ने का तरीका आता नहीं मुझे, और वैसे भी एक हकीकत पसंद इंसान को लोग संदिल और सफाकी समझते हैं। खैर, तुम जानती हो लाली क्यों परेशान है? लाली कुछ बताती ही नहीं मुझे, और आप शायद इस काबिल ही नहीं समझते मुझे। सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सोचना नुकसानदेह होता है। खैर, मैं तुम्हें बताने वाला था, मुस्तफा लाली से शादी करना चाहता है और मैं इस बात से रजामंद हूं। इसी वजह से लाली मुझसे खफा है। ये तो खुशी की बात है, इसमें खफा होने की तो कोई बात नहीं। यही तो, लाली को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। क्या तुम समझा सकती हो उसको? हाँ जरूर, क्यों नहीं। सोच लो कहीं तुमसे नाराज ना हो जाए। बेफिक्र रहें, खलूस दिल से की गई कोशिश से ताल्लुकात खराब नहीं होते, और खलूस से बढ़ाए हुए हाथ को थाम लेना ही अकलमंदी है। कभी कभार लोग खुलूस दिल को समझ नहीं सकते। अपनी तरफ से कोशिश जरूर करना। चलता हूं। क्या जरूरत है तुम्हें इतना सब कुछ लेकर आने की? मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा है। ये सारी चीजें ना आफाक ने खरीदी हैं। मैंने बस ये शॉल खरीदी है। दिखाओ। ये देखें। तलाल मामू कहाँ हैं? खुर्रम मामू दोनों नजर नहीं आ रहे। वो उसकी खुर्रम की कॉल आई थी मुझे, अभी कहते रास्ते में है वो। सुनो, तुम आज हमारे साथ ही रुक रही हो ना रात को? नहीं, मैं आज रात नहीं रुकूंगी। क्यों? अरे ये कहाँ रुकेगी, इसके जाने से शैला बिल्कुल अकेली हो जाती है। शैला तो कहती कि हनी और राफी के जाने से घर बिल्कुल सूना हो जाता है, अब इसे कहाँ आने देगी वो? अच्छा है ना, जरा अपना घर बार संभाले ये। हाँ, अब आपको किधर मेरी कदर, रोशनी जो आ गई है। ऐसे रोशनी है किधर? किचन में होगी, मैं उससे मिलकर आती हूँ। चलो चीजें समेट लो, इतना कुछ ले आती है ना, ये भी हद है वैसे। इसमें तो बच्चों को पता भी नहीं चलता।
जी जी अच्छी जी अच्छा खुदा हाफिज। बीजा का फोन था, मुस्तफ़ा के रिश्ते की बात कर रही थी लाला रुख के लिए। मैंने सोचा लाली के लिए गुलदस्ता बनाकर दे दूँ, वैसे भी फूलों का असर दिल पर अच्छा पड़ता है। तो ये ट्राई तुम मुझ पे भी कर सकती थी। बीजान मुझे डर लगता है, वो रूठ जाएगी बुरी तरह। भाई ये तुम्हारा मसला है, किसी तरह भी ये चीजें मेरे बच्चे तक पहुंचाओ वरना मैं खुद जाकर दे आऊंगा। नहीं सैफी भाई, इस तरह मामला और बिगड़ जाएगा। मामला काफी गंभीर है सैफी, अभी से हिम्मत हार रहे हो? मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगा।